हेलो फ्रेंड्स, इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर टेक्निकल क्वेश्चन हीटर टर्नर मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 25 क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाए थे, आज की क्लास में आगे के 25 क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अपना आज का क्वेश्चन है 26 नंबर का। वर्कशॉप में प्रयोग एंगल प्लेट यूज इन वर्कशॉप के अंदर कौन से ग्रेड की एंगल प्लेट यूज की जाती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में ग्रेड एक, ऑप्शन बी में ग्रेड दो, ऑप्शन सी में ग्रेड ए, ऑप्शन डी में ग्रेड एक एंड ग्रेड दो। तो फ्रेंड्स, अपना वर्कशॉप के अंदर जो एंगल प्लेट यूज की जाती है तो फ्रेंड्स वो हो जाएगी ग्रेड दो। तो फ्रेंड्स, ग्रेड दो की एंगल प्लेट वर्कशॉप में प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेंड्स, एंगल प्लेट के साथ प्रयोग किया जाता है, एंगल प्लेट इज यूज विथ, एंगल प्लेट किसके साथ यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है सरफेस प्लेट, ऑप्शन बी में मार्किंग टेबल, ऑप्शन सी में कैलीपर, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, जो एंगल प्लेट किसके साथ प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स, एंगल प्लेट जो प्रयोग की जाती है फ्रेंड्स सरफेस प्लेट के साथ में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेंड्स, 28 नंबर का क्रोचनी बनाने का पदार्थ है, द स्क्रेपर इज द सब्सटेंस टू मैक। ऑप्शन ए में माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी में हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी में ब्रास, ऑप्शन डी में कास्ट आयरन। तो फ्रेंड्स, क्रोचनी स्क्रेपर जो बनाया जाता है वो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेंड्स, बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर मार्किंग लार्ज सर्किल और आर्क। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में बैंड स्क्राइबर, ऑप्शन बी में डिवाइडर, ऑप्शन सी में ट्रेमल, ऑप्शन डी में बेवल प्रोटेक्टर। तो फ्रेंड्स, इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ट्रेमल। ट्रेमल से क्या द्वारा करते हैं, बड़े व्यास की मार्किंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेंड्स, सरफेस प्लेट बनी होती है, तो फ्रेंड्स सरफेस प्लेट बनी होती है, सरफेस प्लेट इज मेड। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में सघन तंतु डलवा लोहा, ठीकी फ्लेमेंट कास्ट आयरन, ऑप्शन बी में ग्रेनाइट, ऑप्शन सी में ग्लास, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स, अपने इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो सरफेस प्लेट बनाई जाती है फ्रेंड, जो सघन तंतु का डलवा लोहे की बनाई जाती है, ग्रेनाइट की बनाई जाती है और ग्लास की भी बनाई जाती है। फ्रेंड्स, इन तीनों क्या करते हैं, हमें सरफेस प्लेट बनाते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से एंगल प्लेट का कौन सा प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एंगल प्लेट। तो फ्रेंड्स, अपना इसमें ऑप्शन ए सॉलिड एंगल प्लेट, ऑप्शन बी में एडजस्टेबल एंगल प्लेट, ऑप्शन सी में बॉक्स टाइप एंगल प्लेट, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ अबव। इसमें अपना फ्रेंड्स ऑल ऑफ अबव इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें सभी प्रकार क्या करते हैं, एंगल प्लेट यूज एंगल प्लेट बनी होती हैं, इन सभी प्रकार की एंगल प्लेट होती है, सॉलिड टाइप की भी एंगल प्लेट होती है, एडजस्टेबल एंगल प्लेट भी होती है और बॉक्स टाइप एंगल प्लेट होती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेंड, एंगल प्लेट की दोनों साइडों पर बने आर बार स्लॉटों का निम्न में से क्या कार्य है, व्हाट आर द फॉलोइंग ऑफ द स्लॉट ऑन द साइड ऑफ एंगल्स प्लेट मेड ऑन बोथ साइड्स। ऑप्शन ए में बोल्ट को स्थान देना, प्लेस द बोल्ट, ऑप्शन बी में वर्कपीस को स्थान देना, बूटिंग द वर्कपीस, ऑप्शन सी में वर्कपीस को सेट करना, सेटिंग अप द वर्क पीस, ऑप्शन डी में एंगल प्लेट की सुंदरता बढ़ाना, इनलार्जिंग प्लेट ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बोल्ट को स्थान देने के लिए क्या करते हैं, स्लॉट बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना इसमें हो जाएगा बोल्ट को स्थान देना, अपना राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अपना 33 नंबर क्वेश्चन है, सरफेस गेज का दूसरा नाम है, सरफेस गेज इज द सेकेंड नेम। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए में ओडलेक कैलीपर, ऑप्शन बी में स्क्राइबिंग ब्लॉक, ऑप्शन सी में फिक्स गेज, ऑप्शन डी में
फ्रेंड्स अपना हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्क्राइबिंग ब्लॉक। स्क्राइबिंग ग्रुप ब्लॉक क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 34 नंबर क्वेश्चन है, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है द स्क्योर इन इज द एंगल ऑफ द पॉइंट। तो फ्रेंड्स अपना ऑप्शन ए में है 12 टू 15 डिग्री, ऑप्शन बी में 20 डिग्री टू 25 डिग्री, ऑप्शन सी में 30 डिग्री, ऑप्शन डी में 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर हो जाएगा 12 टू 15 डिग्री, तो स्क्राइबर का पॉइंट एंगल होता है फ्रेंड्स। अपना राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 टू 15 डिग्री फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैबर का झुकाव कोण रखा जाता है। तो फ्रेंड्स अपना इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में 20 डिग्री टू 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 30 डिग्री टू 40 डिग्री, ऑप्शन सी में 40 डिग्री टू 60 डिग्री, ऑप्शन डी में 50 डिग्री टू 70 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। वाइल स्क्रैपिंग द स्कोप द ऑफ स्क्रैबर इज प्लेस एट एंगल द एंगल, तो इसमें 30 डिग्री टू 40 डिग्री रखा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 36 नंबर का, इंजीनियर वाइस का साइज न्यून पर आधारित होता है। इंजीनियर वाइस का साइज न्यून पर आधारित होता है फ्रेंड्स। द साइज ऑफ द इंजीनियरिंग वाइस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ मूवेबल जॉइंट, ऑप्शन बी विथ ऑफ जा, ऑप्शन सी होता है हाइट ऑफ वाइस, ऑप्शन डी होता है इसमें मैक्सिमम ओपनिंग। तो फ्रेंड्स अपना इसमें हो जाएगा विथ ऑफ जा, इसमें जा की चौड़ाई से क्या करते हैं इंजीनियर वाइस का साइज निर्धारित किया जाता है, यानी आधार लिया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखिएगा फ्रेंड 37 नंबर का, किसी वाशर को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। ए वाशर इज डिफाइनेटली स्पेसिफाइड, तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए है अपना मानक व्यास नॉमिनल डाया, ऑप्शन बी है वाशर की मोटाई थिकनेस, ऑप्शन सी है वाशर के बाह्य व्यास आउटर डाया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मानक व्यास नॉमिनल डाया, इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपना। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, सोलिड पीतल को काटने में निम्न किस प्रकार के पिच के एक्स्ट्रा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। द टाइप ऑफ पिच ऑफ द एक्स्ट्रा ब्लेड इन कटिंग द सोलिड ब्रास यूज, सोलिड ब्रास को काटने के लिए किस पिच के एक्स्ट्रा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अपना ऑप्शन ए है 1.8 mm, ऑप्शन बी में 1.4 mm, ऑप्शन सी में 1 mm, ऑप्शन डी में हो जाएगा 0.8 mm। तो फ्रेंड्स अपना इसमें और सॉलिड ब्रास को काटने के लिए 1.8 mm राइट आंसर हो जाएगा। 1.8 mm क्या करते हैं हम पिच वाली एक्स्ट्रा ब्लेड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड 39 नंबर का, प्लेट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं। प्लेट फाइल्स आर ऑन बोथ साइड, तो फ्रेंड्स प्लेट फाइल के दोनों एजों पर सिंगल कट दांते होते हैं। ऑप्शन ए में सिंगल कट टीथ, ऑप्शन बी में डबल कट टीथ, ऑप्शन सी में सेकंड कट टीथ, ऑप्शन डी में स्पेशल कट टीथ। तो फ्रेंड्स इसमें अपना हो जाएगा सिंगल कट टीथ, मैंने पहले ही बता दिया था ऑप्शन ए में सिंगल कट टीथ, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए फ्रेंड्स, पतले ट्यूब को काटने में प्रयोग होने वाला एक्स्ट्रा ब्लेड का पिच होगा हेक्सा ब्लेड पिच यूज टू कट थिन ट्यूब। तो फ्रेंड्स अपना ऑप्शन ए है 1.8 mm, ऑप्शन बी में 1.4 mm, फ्रेंड्स इसमें 1.4 mm है, ऑप्शन सी में 1 mm, ऑप्शन डी में 0.8 mm। तो फ्रेंड्स इसमें पतले ट्यूब को काटने के लिए हम क्या करते हैं, पतले पिच यानी कम पिच, जो पिच की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स वो कम होती है, उसको यूज करते हैं फ्रेंड्स। चार प्रकार की पिच एक्स्ट्रा ब्लेड की होती हैं, वो हमने सामने दिख रही हैं, 1.8 mm की पिच होती है, 1.4 mm की पिच होती है, एक होती है 1 mm की, और एक होती है 0.8 mm की। तो फ्रेंड्स पतले ट्यूब काटने के लिए 0.8 mm की पिच का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
वन नंबर का, स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का किस कोण पर झुकाव रखना चाहिए? विच एंगल ऑफ स्क्रैपर शुड बी लेंगिंग वाइल स्क्रैपिंग बाय स्क्रैपर, स्क्रैपर के द्वारा जो स्क्रैपिंग करते समय जो स्क्रैपर का जो झुकाव कोण रखा वो कितना रखा जाता है फ्रेंड्स, ये बताना है। ऑप्शन ए में 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 60 डिग्री, ऑप्शन सी में 75 डिग्री, ऑप्शन डी में 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री क्या करते हैं झुका कर रखते हैं स्क्रैपर को स्क्रैपिंग करते समय। फ्रेंड्स अपना 30 डिग्री ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 42 नंबर का, एक्स्ट्रा ब्लेड व टीथ सेटिंग का मुख्य कारण होता है? टीथ इज द मेन केसेज ऑफ द सेटिंग ऑन द एक्स्ट्रा ब्लेड। ऑप्शन ए में टू रिड्यूस फ्रैक्शन वाइल कटिंग, ऑप्शन बी में फॉर कटिंग इन मोर डेप्थ, ऑप्शन सी में होता है ओनली ब्यूटीफुल डिजाइन, ऑप्शन डी में फॉर मोर डिटेल एंड कीप वर्किंग। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जो क्या करता है फ्रैक्शन को कम, कटिंग करते समय फ्रैक्शन को कम करता है, रिड्यूस फ्रैक्शन वाइल कटिंग, कटिंग करते समय अपने क्या करें फ्रैक्शन को कम करें, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, फाइल की लंबाई मापी जाती है, द लेंथ ऑफ द फाइल इज मेजर फॉर, तो फाइल की जो लंबाई मापी जाती है कहाँ से मापी जाती है फ्रेंड्स वो बताना है अपने को। ऑप्शन ए में पॉइंट टू शोल्डर, शोल्डर से लेकर पॉइंट तक फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में पॉइंट टू टैंक तक, ऑप्शन सी में पॉइंट टू हील तक, ऑप्शन डी में फ्रॉम टू हील टू टैंक तक। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर का, पॉइंट टू हील तक क्या करते हैं एक्स्ट्रा ले सॉरी फाइल की लंबाई मापते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन अपना सी अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बॉल पेन हैमर की पेन होती है, बॉल पेन हैमर आर द पेन साइज ऑफ द हैमर, तो ऑप्शन ए में है स्फेरिकल, ऑप्शन बी में होता है अपना स्क्वायर, ऑप्शन सी में है स्ट्रेट, ऑप्शन डी में अपना क्रॉस। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है फ्रेंड्स। स्फेरिकल किस प्रकार दिखता है फ्रेंड, इस प्रकार से स्फेरिकल दिखेगा इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स अपना बॉल पेन हैमर किस प्रकार दिखता है मैं आपको उसका ड्राइंग बना के बताता हूँ फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कभी आपको यूज किया हो तो। फ्रेंड्स अपना बॉल पेन हैमर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कभी यूज किया हो तो बॉल पेन हैमर, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार का बॉल पेन हैमर होता है। तो इस प्रकार से ये आपको जो दिख रहा है ये क्या होता है स्पेरिकल, ऊपर देखने से कैसे लगा स्पेरिकल, इसे बॉल के समान भी दिखता है, स्पीकर भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 45 नंबर का, बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर की खालिस्तान ऊंचाई के बराबर रखी जाती है फ्रेंड्स, इसमें अपना ऑप्शन इसमें है द हाइट ऑफ द बेंच वाइज इज कीप्ड इक्वल टू द हाइट ऑफ द आर्टिसन, यानी कारीगर की ऊंचाई के किसकी ऊंचाई के बराबर रखते हैं फ्रेंड्स, अपने हो जाएगा इसमें ए शोल्डर्स, बी है एल्बो के एल्बो, सी है सर मैन और डी ऑप्शन है नी। तो ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें हो जाएगा ऑल एल्बो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो वाइज बेंच वाइज की जो ऊंचाई होती है वो 42 इंच होती है फ्रेंड्स, 42 इंच होती है। तो इसको हम सेंटीमीटर में मापेंगे तो 104 सेंटीमीटर ये थे वाइस की ऊंचाई, बेंच वाइस की ऊंचाई होती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 46 नंबर का, सेकंड कट फाइल होती है, सेकंड कट फाइल ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ऑप्शन बी में अकॉर्डिंग टू कट, ऑप्शन सी में अकॉर्डिंग टू बोथ ग्रेड एंड कट, ऑप्शन डी में अकॉर्डिंग टू द साइज। तो फ्रेंड्स इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें क्या होता है सेकंड कट जो फाइल होती है वो ग्रेड होती है फ्रेंड्स, इसमें अपना ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, 47 नंबर, साधारणता एक्स्ट्रा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, साधारणता एक्स्ट्रा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, नॉर्मली
नॉर्मली द हाइट ऑफ द एक्स्ट्रा ब्लेड इज मेजर्ड। ऑप्शन ए दोनों पिन होल के अंदरूनी सिरों से, ऑप्शन बी में दोनों पिन होल के बाहरी सिरों से, ऑप्शन सी में दोनों पिन होल के सेंटर टू सेंटर की दूरी से, ऑप्शन ई में एक पिन होल के अंदरूनी सिरे से दूसरे पिन होल के अंदरूनी बाहरी सिरे से। तो फ्रेंड्स इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोनों पिन होल के सेंटर टू सेंटर तक की दूरी। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से होती है एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाता हूँ, उसका ड्राइंग बनाता हूँ। फ्रेंड्स इस प्रकार की एक्स्ट्रा ब्लेड होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर होल होता है, एक यहाँ पर होल होता है। फ्रेंड्स ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आपको कभी यूज़ किया हो तो इस प्रकार की एक्स्ट्रा ब्लेड होती है। ये जो होता है ये एक्स्ट्रा ब्लेड की ये जो सेंटर टू सेंटर होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर क्या करते हैं इसकी लंबाई से इसको एक्स्ट्रा ब्लेड की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। एक्स्ट्रा ब्लेड की दोनों होल के केंद्रों से लेकर टोटल लेंथ ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, फिनिशिंग किए गए जॉब को पुनः मशीन वाइस में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। व्हाट हैमर इज यूज व्हेन फिटिंग जॉब आर रीमशीनिंग करने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए में बॉल पेन हैमर का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। ऑप्शन बी में सॉफ्ट हैमर, ऑप्शन सी में रॉ हुड हैमर, ऑप्शन डी में क्लो हैमर। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट हैमर का हम लोग प्रयोग करेंगे, जो ठोकने पीटने पर क्या हो जो फिनिश क्या हो जो अपना क्या हो खराब नहीं हो, इसलिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, कार्यखंड पर शीतयंत्र का प्रयोग करने से यूजिंग ऑफ कूलेंट ऑन द वर्कशॉप, कार्यखंड पर कटिंग द्रव का प्रयोग करने से क्या होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए में उच्च कर्तन गति प्राप्त की जाती है, ऑप्शन बी निम्न कर्तन फीड प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन सी में कर्तन गति कम हो जाती है, ऑप्शन डी में निम्न फीड से अधिक गहराई की कट प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च कर्तन गति प्राप्त की जा सकती है किसे कटिंग द्रव के प्रयोग करने से। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फ्रेंड्स आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हैमर का साइज लिया जाता है, हैमर का साइज लिया जाता है ऑप्शन ए में बाई वेट के अनुसार, ऑप्शन बी में फ्रॉम द साइज ऑफ द पेन, ऑप्शन सी में फ्रॉम हैमर्स मेटल, ऑप्शन डी में फ्रॉम द साइज ऑफ द वेट एंड पेन। तो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स आज क्वेश्चन ये फ्रेंड्स आपको समझ आ रहे हैं, यदि कहीं डाउट हो तो क्या करें आप कमेंट करके क्वेश्चन से हमें बता सकते हैं तो हम उसको दोबारा से समझा देंगे। फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स थैंक यू।